बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, होपफुली आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपनी जिंदगियों में खुश और आबाद होंगे। आज मैं आप लोगों को बता रही हूँ मूंग गोश्त और ये किस तरह बन सकता है, कितनी आसानी से, और ये बहुत फेमस डिश है। तो उसके लिए स्टार्ट करते हैं। चलें, ये प्रेशर कुकर है, मैंने 250 ग्राम मटन लिया है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप चिकन में या बीफ में बनाना चाहें। इसको मैंने धो लिया था। और ये 2 मीडियम साइज की अनियन है और मैं इसमें ये ऐड कर देती हूँ। स्लाइसेस में कर लीजिएगा, मैं ऑयल नहीं डाल रही। ये रेड चिली पाउडर है 1 टीस्पून, ये कोरिएंडर पाउडर है 2 टीस्पून, और ये टर्मरिक पेस्ट है, हल्दी पेस्ट 1 टीस्पून, जिंजर गार्लिक पेस्ट ले रही हूँ 2 से 3 खाने के चमचे, 1, 2, 3। अब इसको मिक्स करके ये देख लीजिए। अब हम इसमें सॉल्ट डालेंगे टेस्ट के हिसाब से, एज योर टेस्ट। अब इसको मिक्स कर लूंगी, फिर मैं इसमें पानी ऐड करूंगी। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा। ऐसे पानी ऐड करके मैं इसमें प्रेशर दे दूंगी। वही मैं 1 से 1.5 ग्लास के बराबर पानी डाल रही हूँ। तो मैं इसको प्रेशर देके बैक चूल्हे पे कर दूंगी। मैं इसको सॉर्ट आउट कर दूं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये 1 कप के बराबर ग्रीन मूंग है, साबुत वाले, इसमें धो लिए थे मैंने इसको। अभी थोड़ा सा हीट अप होगा, टाइम लगेगा, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इसका पानी ऑलमोस्ट खुश्क हो गया है। अब हम इसमें प्योर बटर घी जो है वो ऐड करेंगे। तकरीबन 1 खाने का चम्मच। और इसको इस तरह मिक्स कर दें अच्छी तरह से। इसकी ग्रीन लेंटिल होती है और इसको तेज आंच पे नहीं कीजिएगा। और इसको जब तक भूनना है जब तक इसमें अच्छी सी खुशबू नहीं आ जाए। तकरीबन 5 से 10 मिनट लगेंगे इसको भूनने में। ये गोश्त तकरीबन 80% तक गल गया है। अब हम इसमें ये जो मूंग हमने बघारे थे ये हम इसे ऐड कर देते हैं। इसको ऐड करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके और फिर हम इसको एकदम और देंगे, एक प्रेशर और दे देंगे ताकि ये गल जाए इसके साथ। पहले हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, फिर मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। पहले मैं इसको मिक्स करूँ, फिर मैं ये 1 इंच अदरक का टुकड़ा था मैंने इसको छोटा सा काट लिया बिल्कुल बारीक, ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और ये एक ग्रीन चिली है ये ऐड कर दी और मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। इसको मिक्स कर करके और
और हम इसको बंद कर देंगे। ये ऑलमोस्ट गल गया है, दाल भी गल गई है। अब हम इसको बंद करके बंद, पहले हम इसको डाल देते हैं इसमें सोया, सॉरी ये एक बंच है सोया वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, ये धो लिया था। और इसको मिक्स कर देंगे इसमें। और हाफ टी स्पून जो है गरम मसाला ये ऐड कर देंगे इसमें। और इसको भी मिक्स करके इसको 10 मिनट के लिए रख देंगे। और इन द मीन टाइम हम फिर प्याज को बघार लेंगे। जब तक ये होता है मैं आपको दिखाती हूँ। ये प्याज ब्राउन हो गई है, अब हम इसमें ये साबुत लाल मिर्ची हैं ये 3 अदद, इसको हल्का सा ब्रेक करके ये डाल देंगे। और ये क्यूमिन सीड्स हैं ये डाल देंगे। अब हम दाल को बघार लेते हैं। मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए तैयार हो गया। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप चाहे रोटी से खाएं या चावल से, मैं आपको ट्राई करके बता देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत अच्छा और बहुत मजे का बना है, आप प्लीज ये ट्राई कीजिएगा और मुझे जरूर बताइएगा ये कैसा बना है। अगर आप इससे डिफरेंट बनाते हैं तो मुझे वो बताइएगा कि आप किस तरह से बनाते हैं। और इस दुआ के साथ ख़त्म करती हूँ कि या अल्लाह पाक इस मुल्क से, इस दुनिया से कोरोना की वबा को ख़त्म कर दे और हम सबको सेहत और सलामती के साथ ज़िंदगी अता फरमाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो के बाय।